हेलो। अच्छा, अभी आप सोच रहे होंगे कि यहाँ से वीडियो शुरू है ना? लेकिन यहाँ से वीडियो शुरू नहीं है। हम लोग जहाँ गए थे वहाँ से वापस आते टाइम याद आया कि इंट्रो तो शूट किया ही नहीं, तो कहाँ गए थे वो अब देख लीजिए, ठीक है? और हम आ चुके हैं यहाँ पर सुशी को 21st सेलिब्रेट करने, और यहाँ देख रहे हैं आप, ये इसको सुशी मिल गया, ये बहुत खुश है। मेरा बहुत फेवरेट है सुशी। चला नाम बताना, क्या क्या सुशी लिया है? ये चॉप टूना सुशी है। अच्छा, और वो वाला? ये वाला सैल्मन वाला है शायद। ये रोई है। हा? अब रोई क्या होता है मुझे पता नहीं, लेकिन रोई फिश है। अरे यार, रूही तो है नहीं अपना इंडिया वाला, तो रोई कोई और दूसरा फिश है। और साथ में ग्रीन टी है। सुशी देखते ही ऐसा होता है, ऐसी जीभ लग लग इसे में खुश हो जाती है सुशी देख के, पता नहीं क्या। मतलब ये ना एक हैप्पीनेस का प्लेट लगता है मुझे। आने से पहले तो इसको मैंने जब बताया था सुशी कच्चा मछली होता है, ये सुन के पता नहीं इसका मुंह ही बिगड़ गया था पूरा। फिर खाने के बाद इसका जो मुंह मतलब टेस्ट जो बना है इसका, उसके बाद ये सुशी बोलता रहता है। बहुत एक्सपेंसिव है, बहुत ज़्यादा एक्सपेंसिव होता है सुशी। लेकिन ऊपर क्या डाला है ग्रीन ग्रीन? वैसे ये वसाबी होता है, ये एक ना अब बता दी इसका टेस्ट कैसा है पता है? सरसों होता है ना, सरसों पेस्ट करने से जो टेस्ट झाज होता है, एक आग से पानी आ जाता है, वैसा वाला सरसों होता है। अरे वाह, और भी सुशी जाने शुरू हो गए। जरा क्या है, और ये कन्वेयर बेल्ट है, वैसे ऐसे करके सुशी जाते हैं हमारे, आके रुक भी जाते हैं सामने। देखो देखो देखो, ये है ग्रिल्ड चिकन और ये है प्रॉन। ए चलो ना खा लेते हैं, मुझे ये कन्वेयर बेल्ट में से वैसे हम कभी भी उठा सकते हैं, कोई ऐसा कोई पसंद आ गया कोई सुशी ऐसे सामने से जा रहा है तो उठा भी सकते हैं हम लोग, ऐसा कर सकते हैं। हाँ हाँ, ये नीचे वाले से उठा सकते हैं, लेकिन ऊपर वाला होता है वो रिजर्व्ड होता है, वो जिसका इसका होता है वो उसके लिए आता है। हाँ, मैंने बहुत कम आते हुए देखा है, लेकिन कभी होता है जो एक्स्ट्रा हो जाता है उनके पास, वो नीचे वाले पे डाल देते हैं, जो आप उठा सकते हैं उठा के खा भी सकते हो। और इसको अभी कुछ बोलने का मन नहीं है क्योंकि ये अभी खाने पर कंसंट्रेटेड है। कोई नहीं, वीडियो बंद करके जरूरत नहीं, खा लो। नहीं, अपना फेशियल एक्सप्रेशन दिखा दो। कोई नहीं, देखो इसमें वसा भी होता है तो फिर आग से पानी आ जाएगा। चलिए, अपना चेहरा नहीं दिखाना चाहती खाते वक्त, लेकिन आप लोग ने सूची देख लिया, मैं फिर से एक बार जूम करके दिखा देता हूं। और भी ऑर्डर करेंगे, ये तो अभी और भी ऑर्डर करेंगे, उससे ये बहुत टेस्टी होता है, खाएंगे फिर चीज चिकन चिकन। चलो ठीक है, पहले ये चार प्लेट निपटा देते हैं, उसके बाद नेक्स्ट खाएंगे, आपको भी दिखाएंगे। अरे रामेन भी आ गया, कैसे बंद करें वीडियो। ये रामेन कौन सा रामेन दिया था मैं भूल गया, श्रिम्प रामेन दिया था शायद मैंने, नहीं टूना रामेन, राइट। अरे कितना ऑर्डर दिया यार, आ गया दूसरा। धीरे धीरे खाने वाले थे ना हम। इसने बोला है कि बिल ज्यादा हो गया तो ये स्प्लिट करेगी, इसलिए मैं बिल ज्यादा करने के पीछे तुला पड़ा हूँ। नहीं मतलब अभी तो शुरुआत है ना, ये दिखाना है क्या? हाँ दिखा दो। हाँ तुमसे ना हो पाएगा, पकड़ो भूल गया। चलो ठीक है, इसके हाथों में एकदम जोर नहीं है, एकदम जोर नहीं है, डंबल्स उठाने पड़ेंगे इसे। और ये है, देखो मैंने ऑर्डर तो किया था टूना, अब उम्मीद है ये टूना ही है। चलो अभी खा लेते, ठंडा हो जाएगा। चलो ठीक है, आप अभी रखते हैं, नया कुछ आएगा तो फिर दिखाएंगे आपको, अभी के लिए बाय। मैं फाइनली बना लिया इसको एक रिएक्शन वीडियो के लिए, इसको खा के रिएक्शन कैसा आता है। ये दोनों तरह के सोया सॉस होते हैं, ठीक है, एक मीठा है एक बेसिकली सोया सॉस जैसे टेस्ट है, थोड़ा सा खट्टा, लेकिन जो भी हो इसको बहुत पसंद है। ठीक है, इतना नहीं देना है रिएक्शन। लेकिन इसको सही में बहुत ज़्यादा पसंद है सुशी। अब मज़े की बात है, इसको ये सुशी ज़्यादा पसंद है ज़्यादातर ग्रिल्ड चिकन से, मुझे ग्रिल्ड चिकन ज़्यादा पसंद है, लेकिन इसको अपेरेंटली फिश वाले सुशी ज़्यादा पसंद है, जो आधा कच्चे होते हैं ऑलमोस्ट। आपको कलर देख के पता चल रहा, ये कच्चा ही है बेसिकली, ये तो पूरा ही कच्चा है अकॉर्डिंग टू हर, मैंने तो खाया नहीं है, खा के पता चलेगा। लेकिन जैसे भी हो टेस्ट बढ़िया होता है, पता नहीं किस तरह ग्रीन टी बहुत पसंद आता है। चॉपस्टिक से मुझे आता नहीं है।
नहीं, मैं भी हाथ से पर कहते हैं कि सुशी हाथ से ही खाना चाहिए। हाँ, मैंने अपने जापानीज कलीग से पूछा था, उन लोगों ने बताया था कि जो अच्छे रेस्टोरेंट्स होते हैं उसमें लोग हाथ से सुशी खाते हैं, चॉपस्टिक बेसिकली दिखावा के लिए होते हैं। तो अब हम कैसे नियम तोड़ सकते हैं, राइट? हम भी हाथ से ही खाएंगे। ओके चलो ठीक है, अब बाकी सुशी अब निपटाते हैं, फिर मिलते हैं। और आगे हमारे सेकेंड बैचेस ऑफ ऑर्डर, सेकेंड नहीं थर्ड चल रहा है शायद, इतना खा चुके हैं ऑलरेडी, इतना खा चुके हैं। ये 2.5 है बेसिकली, 2.5 क्योंकि पिछले वाला हाफ था सब कुछ बहुत ज़्यादा कुछ ऑर्डर नहीं किया था। प्लेट्स दिखा है ना यहाँ से, आप पागल हो जाएंगे, यहाँ के इतना प्लेट्स लोगों ने खा चुके ऑलरेडी। हाँ, लोग सुशी बहुत खाते हैं यहाँ पर, लाइक पहाड़ खड़ा हो जाता है प्लेट्स का। ये तो कुछ नहीं है, ये तो छोटा सा है, ये 10% ऑफ व्हाट दे एक्चुअली हैव। हाँ, हमारा भी बढ़ेगा, लेकिन पता नहीं उनके साथ कंपटीशन में आएगा कि नहीं इतना जैसे। लेकिन आपको अभी दिखाता हूँ क्या क्या ऑर्डर किया हमने अभी, और भी आने वाला है। अभी लिए आया है फिलहाल है ये स्वीट श्रिम्प इन नोरी, ऊपर जो आप ऑरेंज देख रहे हैं जो देखने में काफी सुंदर लग रहा है, ये बिजली कच्चे मछली के अंडे हैं जो मैं खाने वाला हूँ। ओके और यहाँ पर है, सोचते हैं जो जिसने नहीं खाया ना सुशी की, कच्चा अंडा, कच्चा फिश, कच्चा एग कैसा होगा, समझ में भी नहीं आता है वो कच्चा है खाने के टाइम पे, खाने में पता भी नहीं चलता वो कच्चा है, लेकिन एक्चुअली में कच्चा ही होता है, पता नहीं क्या होता है टेस्ट में, खाने में सही में अच्छा लगता है। ये है ब्लूफिन सार्डिन या ऐसा कुछ नाम था, जैसे कि सार्डिन है, और ये भी आप देख सकते हैं कच्चा ही है, स्किन दिख रहा है ऊपर से आपको, तो पता नहीं कैसा होगा, खा के देखेंगे, पहली बार खा रहा हूँ मैं। और ये इसके लिए ऑर्डर किया गया है क्रैब, क्रैब का लिटरली ये लगा हुआ है यहाँ पर, शेल लगा हुआ है, वो तो नहीं खा लोगी ना? नहीं, वो उतार दूंगी। हाँ, उतार के खाना। तो ये क्रैब मीट है, इसको बहुत पसंद है, ये पागल करके खाती है, ये क्रैब खाना है, क्रैब खाना, मैं खाता नहीं इसलिए घर पर आता नहीं है, लेकिन आप इसको यहाँ चांस मिला है तो खा के देखिए कैसे लगता है। ये मसाला ना मैं खोल नहीं पाता, आई थिंक ये कच्चा तो होगा नहीं, एटलीस्ट थोड़ा कुक तो होगा यार। नहीं नहीं, कच्चा है, पूरा कच्चा है, पूरा रॉ है। अरे यार, पूरा फ्लेश है। एनीवेज, खा के देखते हैं कैसा होता है। बाकी अभी और एक प्लेट आने को है, कुछ टेम्पुरा का कुछ ऑर्डर किया था मैंने, लेकिन अभी आया नहीं है, वेट कराने पर। इसका मुँह देखो, ये इतना खुश है। चलो फिर 31 सही है ना, सही आ रहा है ना 31? सॉर्टेड, आज रात को भी प्लान है। आज हम नींद से उठे अराउंड 1 बजे, एक बजे उठ के नींद से उठने के बाद पहले डिसाइड करेंगे, घर पे बैठ के दिन निकाल देंगे, पता नहीं 2 मिनट में क्या हुआ, चलो सुशी खाने चलते हैं। इतना अपसर्ड, लाइक 180 डिग्री टर्न तो शायद कोई लेता नहीं अपने लाइफ में, लेकिन 360 एग्जैक्टली पूरा ऑपोजिट। तो बाहर निकले, सुशी खाने आ गए, अब खा भी रहे हैं। मुझे ये जो है वो हेल्दी एंड करना था, तो ये तो हेल्दी है ना, फ्राइड नहीं है, तला हुआ। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, बहुत हेल्दी है इसको, ये ऐसी है कि इसको अगर बिरयानी भी दे दो ना, ये बिरयानी को आपको सेल कर देगा कि इतने इससे हेल्दी फूड कुछ हो नहीं सकता। बिरयानी में होता क्या है, राइस होता है, चिकन मटन प्रोटीन तो चाहिए सबको, कार्ब्स होता है राइस में, घी तो देखो अच्छा फैट है नहीं। हाँ, तो इसके पास अगर आप जाओगे तो बिरयानी भी आपको लगेगा कि वो साधु संतों का खाना है, इतना ओवरसेल करती है। ये देखो ये मसाला है। हाँ, ये बेसिकली स्पाइसी तो नहीं बनाता इसे, आई थिंक सो, लेकिन तरह तरह के वो है ना, एक अच्छा सा टी स्टैंड होता है थोड़ा सा, और ऊपर इसने वसा भी ऑलरेडी डाल रखा है। हाय, तो क्या हो गया, मैंने क्लिक कर दिया। हाँ, वो एक्स्ट्रा लार्ज, वो मैं बाद में करता हूँ ऑर्डर, पहले अपना अभी का ऑर्डर आ जाए। चलो रेडी हो? हाँ। जरा फिर ये सार्डिन है ना, सार्डिन खा के बताना कैसे लग रहा है। तुम खाओ पहले। नहीं इस बार तुम्हारा रिएक्शन लेते हैं। गंदा रिएक्शन में तो काट देंगे। ठीक है, नहीं काटेंगे। अच्छा होता है सार्डिन, मुझे तो सार्डिन बहुत पसंद है। हाँ, लेकिन ये स्किन दिख रहा है अभी, और मैं फिश का स्किन खाता नहीं। सोया सॉस ले ले थोड़ा सा। चलो थोड़ा डाइल्यूट करने के लिए सोया सॉस ले लेते हैं। ये मीठा वाला है एक्चुअली, खराब नहीं होता ये मीठा। नहीं नहीं, हाँ एक्चुअली से बताऊँ तो सुशी खाने में तो काफी अच्छा होता है। देखो, सार्डिन, टूना, ये सारे फिश ना, मैकरल मुझे पसंद है, ये लाइक ओशन के फिशेस होते हैं, मुझे अच्छा लगता है। इंडिया में भी फिश का स्किन खाता नहीं है, स्किन ये ना मीठा सोया सॉस कभी नहीं डालता है, सार्डिन को देख के उसको वो नहीं आता है, तृप्ति नहीं आ रहा है, तो इसीलिए वो मीठा वाला सोया सॉस भी डाल रहा है। पहली बार खा रहा हूँ इसे, मैंने कभी खाया नहीं, तो मुझे एक्सपीरियंस नहीं है इस चीज़ का, इस पर्टिकुलर सार्डिन फिश का।
Here goes the reaction. अच्छा है। मुझे पता था शाटिन तुम्हें अच्छा लगेगा। नहीं, मैं खा लेता हूँ। तुम खा लो। मैं रखती हूँ, ठीक है? नहीं तो मैं उसको एंजॉय नहीं कर पाऊंगी। खा के मुझे पता है मुझे अच्छा लगेगा, बाद में शूट करते हैं। और अभी आ गया है फोर्थ राउंड ऑफ ऑर्डर हमारा। ये फोर्थ राउंड ऑफ ऑर्डर है, ठीक है? क्या क्या है बता दो। कुछ पकौड़ा टाइप्स है। टेम्पुरा सुशी है, लेकिन किस चीज का टेम्पुरा है वो बोल दिया। किस चीज का टेम्पुरा नहीं पता है, सुशी होगा। फिश टेम्पुरा है, सैल्मन वाला है। ये चीजी सैल्मन है, चीज दिया हुआ है। मैंने ऑर्डर किया, मुझे पसंद है सैल्मन। ये चिकन वाला है, मुझे ये चिकन वाला रिपीट है बेसिकली, क्योंकि ये हम लोग दोनों को ही बहुत ज्यादा पसंद है। हाँ, ये बहुत पसंद है। ये फिश तो हम खा ही रहे हैं, तो मैंने कहा कि ये तुम खा लो, ये मेरे लिए ऑर्डर ले लो। लेकिन अभी पेट भर चुका है बेसिकली। अभी जो हम खा रहे हैं वो ओवर ड्राइव पे खा रहे हैं। हाँ, पेट तो पूरा मतलब इतना तक भर चुका है। ये देखो ना, प्लेट्स देखो, कितना प्लेट्स खा लिया हमने ऑलरेडी। सच होता तो सुशी से ज्यादा रामेन से पेट भरा है, लेकिन पेट भर चुका है। अरे इसको अगर स्क्रैप करने लगो ना, ये नहीं बिठा रही, लेकिन कितना खा चुके हैं ऑलरेडी। तो आई गेस पता चल रहा है कि कितना खा चुके हैं। एनीवेज, अभी ये रेडी है खाने के लिए हमारे लिए। और आई थिंक अभी हम डेजर्ट की तरफ जाएंगे। ये तो सोचते हैं इसका पेट भरा है, मन नहीं भरा अभी तक। तो देखते हैं इसका मन कब तक भरता है। उस वक्त फाइनली डेजर्ट खा के देखो। मैं तो फिर तुम्हारा जो पॉकेट है वो तो नेक्स्ट ईयर ही मारूंगी ना, इस महीने तो। और तुमसे मतलब ट्रीट लूंगी नहीं, एक साल बाद तुमसे ट्रीट लेने वाली हूँ, नेक्स्ट ईयर 2024 में लेने वाली। लॉजिक देखो इसके, मतलब इसका गोल है मेरा पॉकेट खाली करना, सिंपल बात है। अभी ये सब पब्लिक, इसने तो पब्लिकली एडमिट भी कर लिया। अब ये पीछे नहीं हट सकती। और ये पार्ट तो वीडियो में पक्का आने वाला है। मतलब देखो, मेरी बात को गलत मत समझे, मैं बोलना चाहती हूँ कि मैं 2023 को खाऊँ फिर 24 में ट्रीट मांगूंगी। तो इतना खर्च कम करके दोस्तों, आप लोगों को समझ में आ गया इसका मोटिव क्या है। तो आप विचार कीजिए अब इसके ऊपर। हम अब खाने के ऊपर विचार करते हैं अपना, बाद में मिलते हैं फिर। आ गए हम अपने फिफ्थ और सिक्स्थ बैच कंबाइंड। फिफ्थ सिक्स्थ भी, ये सिक्स्थ से आया है। अरे भाई ये बहुत अच्छा है। अरे यार ये सिक्स्थ का सेकंड बैच है। अरे यार ये बहुत अच्छा है, क्या खाया? ये एवोकाडो समथिंग था, श्रिम्प विद एवोकाडो। एनीवेज हम लोग आ चुके हैं अपने फिफ्थ और सिक्स्थ राउंड को। सिक्स्थ ही बोलो क्योंकि ये सिक्स्थ राउंड है। एनीवेज तो मैं आपको बताता हूँ कि हम कितने बुद्धू हैं। हम आई थिंक ये सिक्स्थ टाइम, फिफ्थ या सिक्स्थ टाइम आ रहे हैं सुशीरो पे। और हम लोग लाइक एवरी टाइम शायद ऑर्डर करते भी है, बस दिमाग में नहीं रहता है। और मैं भूल भी गया था कि हर एक मेनू के पेज में तो कोई खाना आ गया, खाना होता है। तो कितना ऑर्डर किया आपको दिख रहा होगा फिर से। सही में कर दिया क्या खाना पड़ेगा। एनीवेज यहाँ आपको दिख रहा होगा कि मेनू में पेज है, मैं भूल भी गया कि इसका दूसरा पेज भी होता है। जरा घुमा कर दिखा रहा। हाँ, दूसरा पेज है ये। तो हर एक मेनू में दो पेजेस या दो से ज़्यादा पेज भी हो सकते हैं, और ये चीज़ मैं भूल ही गया था। तो हमने जब इस बार अचानक नज़र में आया कि एक पेज से भी ज़्यादा पेजेस हैं, घुमा कर देखा और भी बढ़िया तरह के सुशीज हैं जो हमने ट्राई नहीं किए। भाड़ में गया पेट भरना, तो भाड़ में गया पेट भरना, भाड़ में गया बजट, सोचना नहीं है। जो पसंद आया सब कुछ ऑर्डर कर लिया एक एक करके। और अब यहाँ पे देखो ऑलरेडी इतना खा चुका है। और खाने का तो मत ही पूछो, ऑलरेडी बहुत बड़ा स्टैक बन चुका है। आज हम लोग जापानियों को टक्कर देने वाले हैं सुशी खाने में। एनीवेज अब इसको ये अभी गार्निशिंग कर रही है वसाबी और मसाले के साथ। अब खा के मज़ा आएगा। कितना खुश है, इसका पेट भर चुका है। कब से बोल रही है पेट भर चुका है, ज़्यादा भर चुका है पेट। तो इसमें मेरे भी बहुत ज़्यादा भर चुका है, लेकिन इसके बाद सिर्फ डेजर्ट और कुछ नहीं। हाँ, बस अब डेजर्ट। अगर कुछ बोले ना, अगर तुम बोले ना और श्रिंप लेना है और एक बार पूछे ना, मैं हाँ कर दूँ। मैं नहीं बोलने वाला। इसके बाद सीधा डेजर्ट जाना है। और मैंने सोचा था और माचा नहीं लूँगा, लेकिन इसने इतना कुछ ऑर्डर कर दिया, मैंने फिर से और एक ग्लास माचा ले लिया। ऑर्डर नहीं किया,
हाँ इसने ऑर्डर नहीं किया, हमने मिलकर ऑर्डर किया, खुश। एनीवेज चलो अब इसने गार्निशिंग कर दिया है, अब खाना धीरे धीरे स्टार्ट करते हैं फिर खा के। वैसे मैं बता देता हूँ क्या क्या है। यह है ग्रिल्ड चिकन, यह है एवोकाडो श्रिम्प विद एवोकाडो, यह है श्रिम्प चीज, यह है श्रिम्प चीज लेकिन दूसरा टाइप का, एक सेकंड और दिखा देता हूँ क्या क्या है। यह है ग्रिल्ड सम सैल्मन वगैरह, वो है श्रिम्प टेम्पुरा, और वो है क्या था वो, ये वाला मैकरल। हाँ बताओ, ये वाला जो है ना ये इतना बार यहाँ से जा रहा है, दूसरे लोग ऑर्डर कर रहे हैं, मैं उसे पूछ रही हूँ मुझे ये खाना है लेकिन मुझे ये दिख ही नहीं रहा है, अब जाके ये दिखा फाइनली। इसको ये खाने का बहुत शौक था, तो अब ठीक है खाना स्टार्ट करते हैं फिर। अच्छा ये और भी मसाले से गार्निशिंग कर रही है, ये पैकेट मुझे फाड़ा नहीं, इससे फाड़ा नहीं जा रहा, मैं हेल्प कर देता हूँ इसे। चलो ये फाड़ गया, ठीक है अभी के लिए इतना ही फिर। और फाइनली हम पहुंच गए डेजर्ट सेक्शन पे, हमने फाइनली सोच लिया कि अब रुकना चाहिए क्योंकि स्टैक देखा हो एक बार इतना स्टैक हो चुका है, अब नहीं रुकने से अब हम लोग को बुला लग रहा है कि बेचारा शेफ लोग थक जाएंगे खाना बनाते बनाते, सोच रहे कि शेफ थक जाएंगे यार अभी रुक जाते हैं। और अभी डेजर्ट आ चुका है, डेजर्ट में हम लोगों ने आइसक्रीम ऑर्डर किया है, बहुत यम्मी लग रहा है, यम्मी है सही पे। तो अब विंटर है वैसे आइसक्रीम खाना तो नहीं चाहिए, लेकिन डेजर्ट में तो डेजर्ट ही है, था केक था और इसको केक पसंद नहीं ज़्यादा, तो आइसक्रीम हम लोग ने चॉइस किया है। ये काफ़ी खुश है आइसक्रीम खा के, इतना अच्छा है क्या सही में। ओके फिर हम लोग अभी खा लेते हैं, खा के बाद में निकलते हैं यहाँ से क्योंकि अब बहुत देर, डेढ़ घंटे हो चुके हम लोग यहाँ बैठे हुए हैं, रेस्टोरेंट वाले के भगाना थे हम लोगों को। अभी 4:10 बज रहा है। चलो ठीक है रखते हैं, बाय बाय। ठीक है ठीक है, देखता हूँ कितने ऑर्डर किए थे हमने आज, 22 ऑर्डर किए हैं आज, टोटल 22 प्लेट ऑर्डर किए। हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, हार्ट लेफ्ट साइड में होता है, पकड़ लो बिल देखने से पहले। चेक आउट, कितना ही होगा, 3680 कम ही है, ठीक है हमने 4 के ऊपर पकड़ रखा था। चलो ठीक है, चलो फिर चेकआउट करके बाद में मिलते हैं। देख लिया ना कहाँ गए थे हम लोग, हाँ हाँ सुशी खाने गए थे, अब ये भर चुका है पूरा, अभी घर जाने का ही बात है लेकिन सोच रहे थोड़ा मॉल घूम, मॉल में हीटर होता है तो गर्म हो ले, घर में भी हीटर चलता है लेकिन मॉल वाला तो हीटर सोच रही थी थोड़ा मसाज भी खाना, तो मसाज भी खा लेंगे। पता है ऑन गॉड बताओ, मैं एक बार सोच रही थी लेकिन मैंने बताया नहीं। हाँ हाँ मुझे पढ़ना आता है ना, मन पढ़ना आता है, इसीलिए तो शादी कर लिया। चलो तो ठीक है, अभी ना घर घर नहीं जाएंगे, आरियो जाएंगे, ठीक है वहाँ से मसाज करवाएंगे चेयर में, फिर घर जाएंगे। फुल बॉडी या फिर सिर्फ पैर, वो ऑप्शनल है, यानी फुल बॉडी होने वाला है तो फिर उसके बाद जाएंगे। देखो हम तो फिर नेक्स्ट ईयर आने वाले हैं ना मॉल में भी, तो इसका ये रीजनिंग सुबह से चल रहा है, कुछ भी करो अरे यार अगले साल से पहले तो मैं बोलने वाला है हूँ ये चीज करने के लिए, कर दो यार, ये इसका सुबह से चल रहा है नाटक। सुबह तो हम उठे ही नहीं, अब तुमने बोला कि हम अब सुबह मतलब 1 बजे हमारे लिए सुबह था वो अलग बात है। चलो तो इसीलिए अभी फिर घर जाएंगे, घर में फिर अलग प्लान है शाम का, ठीक है वो देखते कितना एग्जीक्यूट होता है, तो शाम अभी हो गया नहीं। हाँ वो भी सही बात है, अगर शूट किया तो दिखाएंगे, अगर आलस आया तो नहीं करेंगे, फिर नेक्स्ट साल मिलेंगे आपसे। चलो फिर हैप्पी न्यू ईयर बाद में बोलेंगे, नहीं हैप्पी न्यू ईयर हम लोग बाद में बोलेंगे, बाद में बोलेंगे ठीक है, अब के लगते हैं बाय।
अभी जहाँ पना जो है फुल बॉडी मसाज लेने में व्यस्त है। ये फुल बॉडी मसाज ले रहा है। वैसे अभी मैंने ले लिया अपना, इसका कंप्लीट होने तक वेट करते हैं। फिलहाल मॉल का एक व्यू दे देती हूँ आपको। इसको इतना अच्छा लगा मसाज लेके कि फिर से ले रहा है। ये ना ऐसे ऊपर 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 जाते जाते एकदम ऐसे लेटा देता है। कैसा लग रहा है आपको? जन्नत जन्नत यहाँ। इसका राउंड टू हो रहा है अभी। ये ले ले मसाज, मैंने एक बार लिया, मेरे लिए काफ़ी है, इसको और लेना था। फिलहाल ये ले रहा है। मैंने कैमरा पता नहीं कैसे पकड़ा हुआ है, एडजस्ट कर लेना थोड़ा सा, ठीक है? चलो बाद में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, और अभी हम लोगों का डिनर टाइम हो चुका है। तो अभी डिनर का मूड सेट किया गया है, आज मूवी नाइट होने वाला है। लेकिन मैं इतना आलसी हूँ कि प्रोजेक्टर निकलने का मन नहीं कर रहा, तो बस रूम को थोड़ा सा ब्राइटन अप कर लिया है फेरी लाइट से। और ऋतुपर्णा ने खाना बनाया है जो कि अब मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पिज़्ज़ा को एक एक वो ब्रेड को ना वो प्लेट में डाल के दिखाओ, फिर सबको ठीक है दिखाता हूँ। फिलहाल के लिए तो ये तो पॉपकॉर्न है, चीज़ पॉपकॉर्न एंड टोमेटो चिली पॉपकॉर्न का मिक्स है। नीचे चीज़ पॉपकॉर्न, ये केक है और साथ में कोल्ड ड्रिंक। इसको पसंद नहीं, मैं ज़्यादा कोल्ड ड्रिंक पीता हूँ, इसलिए छोटा बॉटल लेके आई है। क्या करें अब। और ये है पिज़्ज़ा, तो बोल नहीं सकते लेकिन पिज़्ज़ा एडजेसेंट है। हाँ मतलब इसके ऊपर ना वो, अच्छा ये ना पता नहीं इंडिया में मिलता है कि नहीं मिलता है, वो ना जापनीज लोग क्या करते हैं पिज्जा में आलू बॉयल करके और कॉर्न डालते हैं। मुझे वो बहुत पसंद आ गया, पता नहीं कैसे। तो मैंने क्या किया, ब्रेड में पिज्जा पास्ता सॉस मेयोनीज है ना, वो फिर बॉयल पोटेटोस कॉर्न अनियन वो जो जो देते हैं पिज्जा में, ओरिगैनो चिली फ्लेक्स देके ग्रिलर में देके वो मतलब किया है ग्रिल जैसा, तो वो पिज्जा वाले वाइब्स देगा, लेकिन पिज्जा है नहीं वो पिज्जे के लिए। ठीक है, मैंने अभी एक टेस्ट ड्राइव करके देखा, सही में काफ़ी अच्छा बना है, तो मैं तो खुश हूँ इससे। मैंने बोल दिया कि अब पिज़्ज़ा घर पे नहीं आने वाला, तुमसे ये बनवाने वाला हूँ मैं हमेशा, इजी भी है बनाना, जब भी पिज़्ज़ा खाने का मन करेगा। लेकिन वैसे अभी मूड सेट हो चुका है। तो और आप सबका कैसा जा रहा है 31st, हम सबको बताना ज़रूर, ठीक है? क्या क्या कर रहे हैं, क्या सेलिब्रेशन कर रहे हैं आप लोग, जरूर बताना। हमारा तो अभी घर पे ही सेलिब्रेशन हो रहा है और हम इससे खुश भी है काफी। बहुत ठंड है बाहर, तो बाहर सही में बहुत ठंड है। और सही में बताना, मुझे क्लब्स पार्टी ज्यादा पसंद है ना इससे क्लब्स पार्टी ज्यादा पसंद है। तो हमारे लिए बस एक मूवी डेट की तरह है ये, और हमारे हिसाब से ये काफी बढ़िया है। तो अब घर का वाइब्स दिखाया लोगों को? हाँ दिखाया। कौन सा थिएटर मुझे ये वाइब्स देगा? हाँ वो तो है। कौन सा वाइब्स, कौन सा मूवी थिएटर? ये खुश है काफी, मुझे ऐसे ही बहुत पसंद है। चलो ठीक है, हो गया। आई थिंक वीडियो अभी यहाँ पर एंड करते हैं। अच्छा, ये दिखाया सबको? हाँ दिखाया दिखाया। हाँ इसको कैंडल लाइट डिनर पसंद है, लेकिन कैंडल लाइट बनाना जरूर है इसको, जो भी हो। ठीक है, अभी के लिए इतना ही, फिर बाद में मिलते हैं। अच्छा सबको हैप्पी न्यू ईयर विश कर देते हैं ना, ये तो वीडियो हम चांस मिलेगा तो मैं फ्रंट कैमरा में आ जाता हूँ। तो मोटा मोटी व्लॉग्स की तरफ से ठीक है, अब सबको हैप्पी न्यू ईयर, सबका 2024 और आगे जाने वाले जितने भी इयर्स है वो सबका बहुत अच्छा अच्छा हो, हमारा भी अच्छा हो, ऐसे विश करना ठीक है। तो फिर आपसे 2024 में मिलेंगे, ठीक है? फिर अभी के लिए बाय बाय, अच्छे से रहना सभी।